कुछ पौधे पौधे इसमें बारीक भी रह जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ग्रो करते हैं। ये स्पेस बहुत कम था मेरा, इस बार मैं इसको पौधे जो है ना इसमें से निकलवा रहा हूँ, और इसका जो स्पेस है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्पेस बन जाएगा। लेकिन जो पौधे तैयारी में हैं उनको हाथ नहीं लगाएंगे, वो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह, चल पड़े हैं। पिछली बार डिस्टेंस कम करना था मैंने, इसलिए नहीं किया कि चेक करना था कि कितना फ़र्क पड़ता है ज़्यादा डिस्टेंस का और कम फासले का। तो इतना रश होने के बावजूद जिन पौधों ने ग्रोथ की है कमाल की है, बहुत ज़्यादा, ये देखें ग्रोथ जो है ना इतने रश के बावजूद। इसकी हाइट चेक करें, 50+ माशाल्लाह, सब 50+। तो इस बार तो हम जो बारीक पौधा बीच में से जो है वो निकाल देंगे सारा, वो निकाल के सेल कर देंगे, ठीक है जी। और जो पीछे है जो दरख्तों की शेप में पौधे हैं वो छोड़ेंगे पीछे। तो वो अगर 50,000 में से अगर मेरा 20 या 30 30,000 पौधा तैयार होता है तो फाबिया बहुत ज़बरदस्त अर्निंग है ये। 1.5 साल बाद मैं इंशाल्लाह फ़ाइनल इसकी कटाई करवा दूँगा। तो फिर ये जो आपको दूर से बारीक पौधे नज़र आ रहे हैं ये मोटे ही हैं सारे, मैं लाइव देख रहा हूँ, आप कैमरे में देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखें, ये दूर से बारीक नज़र आ रहे हैं लेकिन दूर से ये नज़दीक से बहुत हाइटेबल पौधा है माशाल्लाह। अल्लाह ने पैसे दिए थे मैंने लगा दिया, अल्लाह का शुक्र है, ज़मीन थी। तो अब 1.5 साल बाद इंशाल्लाह ये अच्छी खासी रोज़ी दे के जाएगा। जो अल्लाह ताला आपके नसीब में लिखता है वो आपको मिल के रहता है, हमेशा मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आप अल्लाह से मांगो इंशाल्लाह, लेकिन मेहनत मस्ट है, थोड़ी सी मेहनत आपको अपने हिस्से की करनी पड़ेगी, वो आप करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह आपकी मेहनत रायगा नहीं जाने देगा। ये देखें ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, इसकी हाइट चेक करें, लॉन्ग लेंथ। अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं होने देता भाई जान, दुनिया है 4 दिन जीना, उसके बाद जाना अल्लाह के पास। तो आप अपने से की मेहनत करें, हलाल का रिज़्क जो है ना वो बहुत ही कमाल की चीज़ है, ये अल्लाह ताला हक हलाल के रिज़्क से इतना नवाजता है इंसान को, अगर इंसान मेहनत करने की नीयत करे तो। ये देखें बहुत ज़बरदस्त है, लगाएं जी आप भी लगाएं इंशाल्लाह, यही रिकमेंड करेंगे। मैं हमेशा की तरह अब भी कह रहा हूँ आपको कि जो भाई भी इसको कलमे चाहिए, इसको पौधे चाहिए, पैसे हैं नहीं हैं ले जाएं आप, लगाएं, लगा के देखें, अंदाज़ा करें, उसके बाद आपको जो है ना मज़ा आएगा इंशाल्लाह। भाई आपके साथ है इंशाल्लाह, पूरी हेल्प करूँगा जैसे करने का हक होता है। आपके बच्चों का रिज़्क बन जाए तो मुझे, मेरे लिए खुशी की बात, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। जिसको भी चाहिए भाई ले जाए, जितने चाहिए पौधे मैं सेल करता हूँ, और फीस भी अल्लाह भी दूंगा जो हकदार है, बस मतलब जिसको चाहिए फीस भी अल्लाह देने के लिए तैयार हूँ, अपने वादे पे कायम हूँ इंशाल्लाह। जितने चाहिए पौधे ले जाओ भाई, लगाएं और अपने बच्चों का रिज़्क हक अल्लाह का कमाएं, सदका जारी है। ये फसल आपको सारी विज़िट करवाता हूँ, ठीक है जी, इसलिए कि लोगों को शऊर आए इस चीज़ का कि रिज़्क कैसे कमाते हैं और ऐसे भी कमाया जा सकता है। फार्मर भाई, मैं तो एक कारोबारी बंदा हूँ, ये फार्मिंग मैंने की है रिवायती फसलों से हटके, तो बहुत खुश हूँ इस पर, बहुत ही खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ। ये लगाया था तो भाई हो गया, अगर ना लगाया होता तो कहाँ से होना था इसे? ये देखें, ठीक है व्यूज़, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हामी व नासर, और अल्लाह से दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, इसमें लोगों का हक भी है, दूसरों का फीस भी लाला हक है, जो मैं गाहे बगाहे अदा करता भी रहता हूँ और फाइनली फसल पे अदा करूँगा इंशाल्लाह। आप भी अपनी फसलों में से ज़कात हर सूरत निकालने की कोशिश करें अपने कारोबार से, तो वो रायगा नहीं होगी, ज़ाया नहीं जाएगी कभी भी, उसमें कभी भी आपको घाटा नहीं होगा किसी किस्म, इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के साथ लेके चलें।